जिगरी फायदा होना चाहिए, बाप के दुआओं के हम पात्र बन जाए, ऐसा हमको संगम युग में काम करना है। जीवन सब जन्मों से उत्तम जीवन, 84 जन्म का ये लास्ट जन्म, 84 जन्म है ना, उसमें ये हमारा लास्ट जन्म है जिसमें हमको भगवान की पालना मिलती है, भगवान की पढ़ाई मिलती है, और भगवान की पालना के अंदर, पढ़ाई के अंदर हम अनुभव अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो जो श्रीमत मिलते हैं उसके अनुसार जो चल करके देखता है ना, वो बदल जाता है एकदम। कल वो मनुष्य था, आज वो देवता बन जाता है, फरिश्ता बन जाता है, क्योंकि दुनियादारी में रहते कई बातें करते हैं जो अज्ञान वश या शक्ति न होने के कारण घर ग्रस्त में रहने वाले करते ही रहते हैं, पर अब हम ग्रस्ती नहीं हैं, अब तो हम भगवान के बच्चे हैं, ट्रस्टी बन गए। घर से भी न्यारे, घर भी मेरा नहीं, ये तन भी मेरा नहीं, ये धन भी मेरा नहीं, मेरे साथ न आया था न साथ जाएगा, इसकी गारंटी है कोई भी चीज़ यहाँ की वहाँ नहीं जाएंगे, क्यों वहाँ से लाई नहीं है हमने, वो हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये यहाँ ही कमाया यहाँ ही कमाएंगे। मनुष्य मर जाते हैं, बड़े बड़े बादशाह मर जाते हैं तो वो कहते हैं हमारा हाथ खुला रखना, सब देखे, इतनी बड़ी बादशाह से हम कुछ भी नहीं लेके जा रहे, लोग कुछ सीखे। ममता जो रखती है ना, वो ममता ही दुख का कारण है, जो चीज़ आई नहीं, जो चीज़ चलेंगी नहीं, चंद दिनों के लिए यूज़ करना है, हम यहाँ आते हैं ये माइक यूज़ करने के लिए मिला है, ये यूज़ करने के लिए, ये यूज़ करने के लिए मिला हुआ है, पर ये मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं है ना, कितना सुख यूज़ करो और छोड़ दो, बुद्धि से निकल जाए। अगर हम हर बात में ममता रखेंगे तो ममता दुख का कारण है, लगाव दुख का कारण है, तो जहाँ लगाव भी होता रहेगा ना, तो एक तरफ लगाव बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ संस्कारों का टक्कर भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि आदत पर गई लगाव लगाने वाले की। फिर अगर कोई के संस्कार ऐसे है तो उससे हमारा संस्कार का टक्कर भी हो जाता है। संगम युगम में हमको टक्कर से भी बचना है तो लगाव से भी बचना, अंत में हमको बाबा की याद रखनी है, या जिनसे हम लगाव रखते हैं वो व्यक्ति हमारे सामने आने चाहिए, मरने समय क्या सामने आना चाहिए, तो अभी से ही अभ्यास करो, जांच करो, तो मेरे को सारे दिन में मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, मैं खुद सरेंडर, कुछ भी मेरा नहीं है, बिल्कुल सेवा, उस सेवा के सिवा और कोई नहीं है, फिर भी हम अमृत वेले जांच करते हैं कि सारे दिन में मुझे कौन सी बात बार बार आती है। जो बात बार बार आती है, जो ज्ञान के विरुद्ध है, उसको एकदम खत्म कर दो, निकाल दो, हमारा चित्त बिल्कुल शांत रहे, क्योंकि हम शांति धाम से आए थे और शांति के सागर के बच्चे हैं, और संसार में जीना है पर शांति के साथ जीना है। अशांत फैलाने वाली कोई बात मेरे अंदर में आवे नहीं, आवे तो उसको बाहर फेंकना, उसको अंदर रखना ही नहीं। बाहर सुबह की बातें आती हैं, या कोई ऐसी इच्छा होती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, वो संकल्प सताता ही रहता है, सताता ही रहता है। अब बताओ, एक विनाशी चीज है, मेरा संकल्प कितना कीमती है, एक भी संकल्प व्यर्थ जाता है तो फिर वो वापस थोड़ी आता है, गया सो गया, ऐसे कितने श्वास चले जाते हैं, उसको हम कहेंगे व्यर्थ का खाता, संकल्प भी व्यर्थ तो श्वास भी व्यर्थ, कर्म तो फिर व्यर्थ होगा ही होगा। तो संगम युगम को सिखाता है व्यर्थ के खाते को खत्म करो और समर्थ का खाता भराओ। वो समर्थ का खाता कैसे भरेगा, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा शक्तियाँ भरी जाएंगी, और सब को गुणग्राही दृष्टि से देखें, आपको दिखाई पड़े इनमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है, गुण के सिवाय अवगुण को हम देखे नहीं, मेरा काम ही नहीं है अवगुण को देखने का, मेरा चित्त है गुण, अवगुण उसका है,
अगर मैं अपने चित्त पर धरूंगी उसका अवगुण तो चित्त तो मेरा खराब होगा ना, मेरे अंदर संकल्प विकल्प पैदा हो जाएंगे। आप इसका अवगुण चित्त पर रखो तो वो अवगुण वार 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 आपके अंदर में चलता रहेगा और धीरे धीरे आपके दिल पर उसका अवगुण चढ़ जाएगा। जब वो सामने आएगी वो उसका अवगुण सामने आ जाएगा। तो मानो हम एक दो के नस्तिक भी कैसे आवें, अवगुण ही हमको दिखाई पड़ेगा, उनका गुण ही दिखाई नहीं पड़ेगा, तो हम एक दो को प्यार भी कैसे कर सकते रूहानी।